किसानों की मांग एवं उनके हित के लिए किया गया धरना। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत बंद के अवसर पर कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में किसानों के हित व मांगों के लिए किया गया धरना प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित भाजपा राज्य सचिव संजय पात्रे, जिला सचिव प्रशांत झा, भाजपा पार्षद राज कुमारी कंवर, प्रदेश महासचिव अटक हरिनाथ सिंह, भाजपा जिला सचिव एम एस रजक, एरिया सचिव मदन सिंह, किसान सभा जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, किसान सभा प्रताप दास मंडलाल कंवर, डी वाई एफ आई हुसैन, शिव रतन, अभिजीत धावेंद्र मिश्रा, नरेंद्र साहू तथा उनके सहयोग से किसानों के हित और उनकी मांगों को लेकर भारी भीड़ के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। देखें कोरबा से भूपेंद्र यादव की यह रिपोर्ट। खिलाफ जो काला कानून केंद्र सरकार लाया है, जिसको लेकर के 26 तारीख से लगभग 5 से 10 लाख किसान दिल्ली में जमे हुए हैं और ये हिटलर जो तानाशाह मोदी सरकार केंद्र बैठा हुआ है, वो किसानों की जायज मांगों की उनको अन्नदाता जो देश को उपज करके खिलाते हैं, जब तक हम जिंदा रहते हैं उनकी मांगों को मानने से लगातार वो पीछे हट रही है। उस तानाशाही सरकार के खिलाफ में अन्नदाताओं के लिए आज पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों के द्वारा। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां, किसान सभा, महिला समिति, सारे लोग कोरबा में भी आज बंद, भारत बंद का आह्वान उसको उसके समर्थन में आज कुसमुंडा में चक्का जाम किए हैं और तमाम लोगों से इस आंदोलन को समर्थन करने की अपील किए थे। आज बड़ी संख्या में पार्टी जनता ने इस आंदोलन को सफल किया है और आज चक्का जाम चल रहा है और केंद्र सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि अन्नदाताओं की अगर बात को नहीं मानेंगे तो वो जिस अन्न को खा के